व्हाट्स अप गाइस, यार वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली यार हमारी कल एग्जाम खत्म हो चुकी है और फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी फिलहाल का टाइम है सुबह के सात बज रहे और फाइनली यार मस्त वाला मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। और कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं, ऑलमोस्ट नए फ्रेंड्स भी है तो वो लोग भी आ रहे हैं और साथ में जाने वाले। कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फाइनली यार फिलहाल यश भी आ रहे हैं, श्रेयस भी आ चुका है। ठीक से बोल लेंगे नहीं ला साला भूल जाता है हो जाता है कभी कभी, नाम में थोड़ी उधर उधर हो जाती है, समझ लिया नहीं। फिर अभी हम लोग निकल चुके हैं हॉस्टल से और फाइनली ये लोग भी आ चुके हैं। ये रोहित है, सौरभ है और ये श्रेयस है, आप लोगों ने व्लॉग में दिखा ही होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते ही जा रहे हैं, सारे लोग अभी निकले नहीं है लेकिन कॉलेज के गेट पे मिलने वाले हैं, वहीं पे जा रहे हैं। गाइस देखो यार, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था कि हम लोग एक्चुअली में जा कहाँ रहे। हम जा रहे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में और ये प्लान भाई ऑलरेडी दो बार कैंसिल हो चुका है, थर्ड बार प्लान किया है और फिलहाल आज जा रहे फाइनल। और गाइस देखो यार, यहाँ का सीन देखो भाई, कल हुई थी बारिश, यहाँ पे भारी वाली बारिश हुई थी और बादल भी इतने जोर जोर से गरज रहे थे ना। रात को 6 बजे तक मैं जगा था, उस टाइम पर भी वो स्टार्ट ही था गरजने वाला सीन। और इसलिए यार देखो ग्रीन ग्रीन होकर रखा है पूरा और रास्ता तो भी पूरा। तो गाइस फाइनली फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं बस स्टेशन पे, ये रहा बस स्टेशन है पीछे ही, वहाँ पे आ चुके हैं। और भाई प्रकाश भी आ चुका है और अरविंद भी आ चुका है और फिलहाल हम लोग इतने साथ में जा रहे हैं, सबके सब साथ में जाने वाले। अरे ऐसे नहीं, तुझे अपने मोमेंट ढूंढना पड़ेगा खुद, हम नहीं बताएंगे क्या कर रहे हैं। प्रकाश प्रकाश का पहले वाला फोटो ले, एग्जाम एग्जाम आने के तक और एग्जाम खत्म होने के बाद प्रकाश ऐसा हो, वही ना, ये है एग्जाम, ये हमारा मासूम सा प्रकाश है, पहले कुछ और ही था। ये मीशे में है, अब बताओ एंड से मौका क्या होगा। उस टाइम पे दाढ़ी वाड़ी होगी बाहर आप प्रकाश की स्पीड से भागेगा। देखो गाइस इन लोगों की शॉपिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है, दो टोपी बजाते हुए एक मुंबईया और एक यूपी वाला। हाँ चाचा ले ली, अरे नाइस, ये हर बार दूसरे की टोपी मारते हैं। तो गाइस देखो यार 8:30 बजने वाले हैं और फिलहाल अभी हमारी बस तो नहीं आई है, वेटिंग कर रहे हैं फिलहाल। अभी तो बस का टाइमिंग 8:35 को है, 5 मिनट में फाइनली अपनी गैस आ चुकी है, यही बस है फाइनली। देखो भाई टाइम देखो कितना हुआ, 8:40, 5 मिनट लेट है लेकिन भाई आ चुकी है फाइनली। तो निकलते हैं यहाँ से अभी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और ये देखो भाई, ये रहे हमारे सरदार पटेल जी भाई, क्या ही मस्त बना के रखा है। और हाइट की तो बात ही मत सोचो। और भाई मस्त शांति का माहौल है, आराम से अभी पहले खा लेंगे कुछ, क्योंकि कुछ खाया नहीं अभी तक, पहले खा लेते हैं। चलते जीवन दे सर्व दे हर हर। गाइस यार फाइनली हमें यार तो गए हैं लेकिन अभी खाना वाना बाकी है। तो यहाँ पे बाय द वे कैसी स्टोर्स है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी बाहर खाने का। और फिलहाल अभी यहाँ से टिकट ले रहे हैं अंदर जाने के लिए, और वही इंक्वायरी कर रहे थे टिकट में मतलब क्या क्या इंक्लूडेड है, तो फिलहाल अभी पूछ लिया है, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली फिलहाल अभी खाना वाना हो चुका है लेकिन यार खाने में यार बिल्कुल नहीं मजा आया। तो ये अपना ढाबा है, नॉर्मल ढाबा है यार, यार इतना मजा तो नहीं आया खाने में लेकिन ठीक है, अभी खाने में भूख लगी थी तो खा लिया है अपने। और जो भाई हमने खाया था वो था एक्चुअली ढाबा, लेकिन वहाँ पे लीज फिक्स है, अनलिमिटेड खाना है 100। हाँ रिव्यू दे दो भाई, रिव्यू दे दो खाने के।
स्कैम 2020-23 तो किया है अनलिमिटेड में लिमिटेड ही था। अरे भाई पहला बारी तेरे को अनलिमिटेड तो ऐसे अनलिमिटेड रखा है इन लोगों ने, लेकिन सब्जी देखो तो तीखी बनाई है भाई लोगों ने। रोटी का तो पूछी मत, तीखी बिल्कुल नहीं सही आया था यार। तो गाइस अभी एंट्री हो चुकी है हमारी, अंदर आ चुके हैं। और भाई पीछे का सीन देखो, रुक मैं कैमरा स्विच करके दिखा दूं आपको। ये पहले स्टार्टिंग का एरिया है और यहाँ पे भी मस्त देखो, मस्त बना के रखा है। इधर भी देखो हमारी हो चुकी है फिलहाल। और भाई देखो वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है और यहाँ पे हमने फोटो ले लिए, वो आपको मिल जाएगी अपने इंस्टाग्राम पे, तो चेकआउट कर लेना। क्या कह रहे हो? तो गाइस फाइनली फिलहाल हम लोग बहुत पास आ चुके हैं। ये पीछे देखो भाई साहब, भाई हाइट देखो यार, क्या ही हाइट है। एक्चुअल में जो दिख रहा है वो तो भाई, और ये कैमरे में आप लोगों को इतना नहीं मज़ा आएगा जितना रियलिटी में दिखने में मज़ा आता है भाई। सही है यार, अभी तो और ऊपर जाएंगे ना तो और मजा आएगा भाई। ये चेक करो भाई, और देखो भाई पीछे मस्त वाला गार्डन भी है बीच में, यहाँ पे मस्त फोटो दिखेगा। ये देखो, देख भाई भाई गाइस फिलहाल अभी हम टॉप पे आ चुके हैं और ये हमारे सामने भाई कितने हाइट पे है अभी हम लोग, और पीछे का तो ये टॉप का सीन है, यहाँ का टॉप पे जो हाईएस्ट टॉप है वहाँ से सीन दिख रहा है। पीछे मस्त पहाड़ है, बीच में ये रही अपनी नदी साबरमती नदी। तो गाइस फिलहाल अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे लाइब्रेरी और वो सब है, और ऊपर जाना भी बाकी है। फिलहाल अभी तो फोटो शूट ही चल रहा था। तो गाइस फिलहाल जा रहे हैं अंदर हम लोग, तो अंदर क्या है बता देता हूँ आपको। देखो अभी एंटर हो गए हमें, यहाँ अंदर का सीन देखो, ये बीच में सरदार जी का सर है। भाई हम लोग ऊपर आ चुके हैं, कान में कुछ हो रहा है भाई, कम सुनाई दे रहा है ऐसा लग रहा है। तो गाइस फिलहाल अभी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और ऊपर का सीन देखो भाई, यहाँ से देखो वो डैम भी दिख रहा है पूरा, ये नदी अपने, और फिलहाल ऊपर का सीन देखो भाई यहाँ से। तो गाइस फाइनली अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से जा रहे हैं या फिर वहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है वहाँ पे जाएंगे, या फिर डैम है वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन मतलब फिलहाल यहाँ से तो अभी जा रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें देख ली हैं, अच्छे से देख ली है, रिकॉर्ड भी मस्त वाली की ली है, आपको सारे वीडियोज़ भी मिल गई होगी। तो गाइस हम लोग फिलहाल वहाँ से आ चुके हैं, और फिलहाल अभी बस में जा रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर है जगह यहाँ पे पास में, तो वहीं पर जा रहे हैं। भाई जल्दी से भाग, ये भाई बस के लिए दौड़ना पड़ेगा अभी। तो गाइस फाइनली फिलहाल अभी गार्डन में आ चुके हैं हम लोग, और फिलहाल का सीन देखो भाई, पीछे देखो क्या ही मस्त गार्डन बना के रखा है। अभी मैं फिलहाल आपको मस्त वाले सीन दिखाता हूँ,
आप वो एंजॉय कीजिए। और गाइस बाय द वे ये जो गार्डन है उसमें कोई टिकट विकेट नहीं है, आप जो स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जो टिकट लेते हो उसी में इंक्लूड हो जाता है। ये फ्लावर वैली वाला भी और जो अपना क्या बोलते हैं डैम है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, तो मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब उसी में इंक्लूडेड है। और गाइस फिलहाल ये देखो हम लोग आए थे ना, आठ जन आए थे ऐसा था आप लोगों को पता होगा, लेकिन कॉलेज में से बहुत सारे लोग आए थे साथ में, लेकिन वो लोग रात को ही निकल गए थे, हम तो सुबह जैसे आए थे वो लोग तो रात को ही निकल गए थे, अभी फाइनली सब लोग मिल रहे हैं वहाँ पे। गाइस फिलहाल अभी हम दूसरे पॉइंट पे आए थे, दूसरे मतलब दूसरी जगह पे आए, और यहाँ पे देखो ये पूरा फ्लावर से मतलब पौधों से अपना इंडिया का मैप बना के रखा है पूरा, ये देखो ये सारा है ना पूरा, ये पूरा इंडिया का मैप बना के रखा है, और ये रही सामने स्टेचू। तो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और भाई थक चुका हूँ यार पूरा, एग्जॉस्ट हो चुके घूम घूम के, अभी फिलहाल अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सामने डैम है वहाँ पे, तो उसी जगह पे जा रहे हैं डैम पे। व्लॉग बनाने बनाने हालत ख़राब हो जाएगी भाई मेरी, सही है। फिलहाल अभी हम बैठ चुके हैं और ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है, गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, देखो सारे लोग अभी चढ़ रहे हैं, और भाई कितने सा ढलान पे ही रहे चढ़ते, ऑलरेडी पैर दुख रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे भाई। गाइस यार फिलहाल हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और फाइनली फिलहाल अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी के सामने आए हैं, अभी यहाँ पे शो स्टार्ट होने वाला है, अभी तो टाइम कितने बजे हैं 6:30 बजे, तो अभी 6:30 बजे शो भी स्टार्ट होने वाला है, अभी टाइम है तो यहाँ पे बैठ के देखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है वो फुल हो चुकी थी, हम लोग बुकिंग कराए उससे पहले फुल हो चुकी थी, तो फिलहाल यहीं पे बैठ के देखने वाले हैं। गाइस फाइनली फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, ये स्टेशन है एकता नगर, वहाँ स्टेशन पे आ चुके हैं और फिलहाल अभी खाने के लिए जा रहे हैं, हमने एक मैकडी है वहीं पे जा रहे हैं, और भाई इसके आगे मैं व्लॉगिंग करने वाला है, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये बहुत कम चुका है पहले, तो आज का व्लॉग फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं।